नॉन शॉर्ट पॉलिसी क्या है, नॉन शॉर्ट पॉलिसी हमारे वीडियो पर क्यों आया है और नॉन शॉर्ट पॉलिसी को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आपको कंप्लीट बताऊंगा कि आखिर नॉन शॉर्ट पॉलिसी की जो समस्या है वो क्या है, नॉन शॉर्ट पॉलिसी आपके वीडियो पर क्यों आया है और आप इसे कैसे रिमूव कर सकते हैं। आज के वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आज की वीडियो देखने के बाद आपको नॉन शॉर्ट पॉलिसी से रिलेटेड दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर नॉन शॉर्ट पॉलिसी आपके चैनल पर आता क्यों है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, देखिए आप अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाओगे तो कभी भी आपके चैनल पर नॉन शॉर्ट पॉलिसी की समस्या नहीं आएगी। ये मैं लिख करके दे सकता हूं कि अगर आपका कंटेंट ओरिजिनल है तो आपके चैनल पर नॉन शॉर्ट पॉलिसी की प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। अगर जिसको भी ओरिजिनल कंटेंट के बाद भी नॉन शॉर्ट पॉलिसी की प्रॉब्लम आई है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर लेना, ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है। तो दोस्तों, अब मैं बता दूं आपके चैनल पर नॉन शॉर्ट पॉलिसी क्यों आया है। जैसे मान के चलो आपने किसी का डुप्लीकेट कंटेंट यूज कर लिया, चाहे म्यूजिक हो, चाहे किसी का डायलॉग ऑडियो वगैरह, ठीक है, किसी का वीडियो हो आपने डाउनलोड करके अपने चैनल पर अपलोड कर दिया, या फिर किसी का ऑडियो आपने अपने वीडियो में यूज करके अपने चैनल पर अपलोड कर दिया, तो ऐसी सिचुएशन में उस बंदे के वीडियो पर आएगा नॉन शॉर्ट पॉलिसी। इसी सिचुएशन में नॉन शॉर्ट पॉलिसी आपके चैनल पर आता है। अगर आप किसी का डुप्लीकेट कंटेंट यूज करोगे तो आपको नॉन शॉर्ट पॉलिसी आएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये नॉन शॉर्ट पॉलिसी क्या है। तो दोस्तों देखिए, मैं आपको बता दूं, पहले क्या था कि जब आप किसी का डुप्लीकेट कंटेंट यूज करते थे तब आपको मिलता था कॉपीराइट क्लेम। लेकिन भाई साहब, अब ऐसा नहीं है। YouTube ने इस कॉपीराइट क्लेम वाली जो पॉलिसी थी उसको चेंज करके नॉन शॉर्ट पॉलिसी कर दिया गया, जो शॉर्ट वीडियो क्रिएट करते हैं उनके लिए। मतलब अगर आप शॉर्ट वीडियो क्रिएट कर रहे हो और आप अपने चैनल पर डुप्लीकेट कंटेंट अपलोड कर रहे हो तो पहले आपको आता था कॉपीराइट क्लेम, लेकिन भाई साहब अब आपको आता है नॉन शॉर्ट पॉलिसी। मतलब कहने का यह है कि कॉपीराइट क्लेम को ही चेंज करके नॉन शॉर्ट पॉलिसी कर दिया गया है। पहले आपके वीडियो पर दिखाता था कि कॉपीराइट क्लेम आया है इस वीडियो पर, लेकिन अब आपको दिखाता है कि आपका ये वीडियो नॉन शॉर्ट पॉलिसी में चला गया है। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये बताओ कि इस नॉन शॉर्ट पॉलिसी की जो प्रॉब्लम आ रही है इसे हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, वो भी बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि नॉन शॉर्ट पॉलिसी से आपके चैनल को क्या नुकसान हो सकता है और क्या फायदा है, ठीक है। तो अब मैं आपको बता दूं कि अगर आपके चैनल पर नॉन शॉर्ट पॉलिसी की प्रॉब्लम आ गई और आपका चैनल मोनेटाइज है, मतलब आपका शॉर्ट चैनल है और ऑलरेडी मोनेटाइज है, अगर आपके लगातार 3 वीडियो पर नॉन शॉर्ट पॉलिसी की प्रॉब्लम आ जाती है तो आपके मोनेटाइज चैनल को डीमोनेटाइज कर दिया जाएगा। अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है तब भी आपके चैनल को कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है। अभी ऐसा केस मुझे दिखा नहीं है कि किसी का चैनल टर्मिनेट हुआ हो, डिलीट हुआ हो, लेकिन हाँ एक केस मुझे ऐसा मिला था कि उसके वीडियो पर लगातार 3 बार नॉन शॉर्ट पॉलिसी की प्रॉब्लम आई थी, तो उसका मोनेटाइज चैनल था जिसे यूट्यूब ने डीमोनेटाइज कर दिया। अब दोस्तों आपको बता दूं कि इससे आपको फायदा क्या है। फायदा यह है कि जब पहले कॉपीराइट क्लेम हमारे किसी एक वीडियो पर आता था तो हम अलर्ट हो जाते थे, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपका एक वीडियो नॉन शॉर्ट पॉलिसी में चला जाए तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि हमारे बाकी वीडियो पर यह प्रॉब्लम ना आए, तो आपको पता चल जाएगा। यह सबसे बड़ी फायदा है कि अगर आपका कोई वीडियो में कोई भी मिस्टेक है तो आपको पता चल जाएगा कि भाई हमारे इस वीडियो में मिस्टेक आ रहा है, मतलब हमको अलर्ट रहना चाहिए कि भाई हमारे और वीडियो पर यह प्रॉब्लम ना आए, हमारा चैनल को कोई मतलब खतरा ना हो, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं कि नॉन शॉर्ट पॉलिसी को आप कैसे रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों नॉन शॉर्ट पॉलिसी को रिमूव करने के लिए मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो 100% में लिख कर दे सकता हूं कि आपके नॉन शॉर्ट पॉलिसी की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों देखिए, सबसे बड़ा जो कारण है नॉन शॉर्ट पॉलिसी आने का वो ये है कि आप लोग डुप्लीकेट कंटेंट यूज करते हो। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई डुप्लीकेट कंटेंट बनाने से बेहतर होगा आप अपना ओरिजिनल कंटेंट बनाएं, आपके वीडियो पर कभी भी नॉन शॉर्ट पॉलिसी की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब दोस्तों बात करते हैं, जैसे मान के चलो आपने अपने चैनल पर ओरिजिनल कंटेंट डाला हुआ है फिर भी आपको नॉन शॉर्ट पॉलिसी की प्रॉब्लम आ रही है, मतलब आपने ओरिजिनल कंटेंट डाला है, खुद का वीडियो बनाया है फिर भी आपके वीडियो पर आ रहा है नॉन शॉर्ट पॉलिसी, तो उसको आप कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों उसका भी एक तरीका है, बेहतरीन तरीका है। देखिए, अगर आप डुप्लीकेट कंटेंट यूज करोगे तो आपको नॉन शॉर्ट पॉलिसी की प्रॉब्लम आएगी ही आएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप ओरिजिनल कंटेंट यूज कर रहे हो फिर भी आपको आ रही है, तो उसके लिए मैं आपको एक बेहतरीन जुगाड़ बता रहा हूं। यूट्यूब पर एक फीडबैक का ऑप्शन मिलता है जहां पर आप जाके
YouTube पर अपना जो आपको प्रॉब्लम हो रही है वो प्रॉब्लम आप लिखकर फीडबैक दे सकते हो, ताकि YouTube टीम आपके वीडियो को चेक करे। अगर आपके वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो आपकी वो नॉन शॉर्ट पॉलिसी की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर दी जाएगी। मैंने भी एक वीडियो का नॉन शॉर्ट पॉलिसी आ रहा था, ओरिजिनल कॉन्टेंट था, उस प्रॉब्लम को फीडबैक देकर ही सॉल्व किया था। भाई मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी 100%, मैं उसका वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था वरना मैं आपको दिखाता, ठीक है। वो प्रॉब्लम मेरी एकदम 100% सॉल्व हो गई थी। तो आप भी फीडबैक के थ्रू, अगर आपका ओरिजिनल कंटेंट है तो फीडबैक देकर यूट्यूब टीम को अपने चैनल, आपका चैनल यूट्यूब टीम चेक करेगी तो अपने चैनल से नॉन शॉर्ट पॉलिसी की जो प्रॉब्लम है उसे हटा सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।